नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां तीन सेगमेंट के माध्यम से लेकर आते हैं, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए देखते हैं पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं डेयरी व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और करीब 7 करोड़ परिवारों के आजीविका में एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। हरियाणा में बहुत से स्वयं सहायता समूह डेयरी कारोबार से जुड़े हुए हैं। इन समूहों को करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने प्रशिक्षण दिया है और प्रशिक्षण प्राप्त करके ये समूह नाम और दाम दोनों कमा रहे हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष परियोजना चला रहा है। परियोजना का नाम है डेयरी आधारित माध्यमिक कृषि के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में सुधार। ये ऐसी परियोजना है जो डेयरी के क्षेत्र में आने के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करती है। हरियाणा की बहुत सी महिलाओं ने डेयरी के जरिए आय सृजित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की परियोजना का उद्देश्य ये है कि महिलाएं खाली समय का इस्तेमाल डेयरी आधारित गतिविधियों पर करें और परिवार की आमदनी में योगदान दें। इसके लिए डेयरी संस्थान महिलाओं को दूध आधारित उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देता है। ये संस्थान मूल्य वर्धित डेयरी उत्पादों पर अब तक करीब 50 प्रशिक्षणों का आयोजन कर चुका है, जिनमें 27 गांवों की 635 ग्रामीण महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कौशल परिषद ने निर्धारित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया है। प्रशिक्षण के बाद स्वयं सहायता समूहों ने काम शुरू किया और अलग अलग कामों को आपस में बांट लिया। मिसाल के तौर पर 2-3 महिलाएं दूध संग्रहण के काम में लग गईं, कुछ महिलाएं उत्पाद बनाने लगी, जबकि कुछ की जिम्मेदारी पैकेजिंग की होती है। इसके अलावा कम से कम एक महिला मार्केटिंग का काम देखती है और एक हिसाब किताब रखती है। इस तरह ये महिलाएं अपने परिवार के लिए अलग से कमाई का इंतजाम कर लेती हैं और उनमें डेयरी आधारित उद्यमशीलता उद्यम अपनाने की क्षमता भी विकसित हो सकती है। NDRI ने महिला सशक्तिकरण लैब में ऑन कैंपस ट्रेनिंग का भी आयोजन किया। अधिकतम महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से संस्थान ने चयनित गांवों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। करनाल, पानीपत और सोनीपत ने इस दिशा में शानदार काम किया है। अपने उद्यम के शुरुआती दौर में ही ज्यादातर समूहों ने 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी हासिल की। करनाल में मंगलोरा गांव है। यहां के एक स्वयं सहायता समूह ने तो भारतीय स्टेट बैंक से डेयरी पशुओं की खरीद के लिए 10,50,000 रुपए का ऋण लिया। COVID-19 के दौरान कुछ स्वयं सहायता समूहों ने स्थानीय ग्रामीणों की मांग के अनुसार दुग्ध उत्पादों के साथ फेस मास्क भी वितरित किए। ग्राहक वास्तविक डेयरी उत्पादों की आपूर्ति के लिए 10-20% अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं। आजकल मिलावट का दौर है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले मिलावट रहित डेयरी उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ावा देने में भी मदद मिली है। और अब कृषि दर्शन कार्यक्रम में बारी है कृषि कैलेंडर की, जिसमें देते हैं हम आपको जानकारी वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की। तो आइए देखते हैं आज का कृषि कैलेंडर। तोरिया की फसल दिसंबर माह तक पक जाती है, इसलिए कटाई की तैयारी करें। रबी की अन्य फसलों या पछेती गेहूं की बुआई भी माह के अंत तक कर सकते हैं। समय से बोई गई सरसों और राई की फसल में हल्की सिंचाई का कार्य करें। फसल को चेपा और कीट के प्रकोप से बचाने के लिए उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत
बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज हम बात करेंगे मेघालय की रहने वाली पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल महिला किसान त्रिनिति साबो की। त्रिनिति साबो खास किस्म की हल्दी उपजाती हैं और हल्दी की जैविक खेती करके अब वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। तो आइए नजर डालते हैं कृषि क्षेत्र में इनके योगदान पर। मेघालय जिला पश्चिम जयंतिया हिल्स की रहने वाली आदिवासी महिला किसान त्रिनिति साबो हल्दी की खेती करती हैं और महिला किसानों के समूह से जैविक हल्दी की खेती करवाती हैं। उनकी इस पहल से महिला किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ चुकी है। यही कारण है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। त्रिनिति ने 25 महिला किसानों के साथ मिलकर मुलियह गाँव में स्पाइस बोर्ड की मदद से हल्दी की खेती की शुरुआत की थी। 4 साल के अंदर 800 किसान मिलकर अब लगडोंग किस्म की हल्दी की खेती कर रहे हैं। त्रिनिति के संगठन से 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हल्दी की खेती कर रही हैं। जैविक खेती के विकास में अपने काम के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सावो ने जैविक खेती के तरीकों के माध्यम से हल्दी के शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप को विकसित करने के लिए अपने गाँव मुलिह मेघालय में लगभग 800 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। लगडोंग हल्दी की कहानी गरीब महिलाओं के एक समूह की कहानी है, जो खेती के लिए खुद के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ये महिलाएं जैविक खेती के तरीकों और पर्यावरण के प्रति समर्पण का पालन करती हैं। हल्दी की लगडोंग किस्म, जो कि सैयों और उसके स्वयं सहायता समूह में महिला किसानों में होती है, उसमें करीमुन का 6 से 7.5% तक होता है, जो कि हल्दी का मुख्य घटक है, जो इसे चमकीले पीले रंग और विशिष्ट पृथ्वी सहित अपने नमकीन गुणों को प्रदान करता है। अधिकांश भारतीय खाना पकाने की नींव रखने वाला तीखा स्वाद, कर्क्यूमिन एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय मसाला है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और साथ ही कैंसर रोधी गुण होते हैं। मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में स्वदेशी रूप से उगाए गए लगडोंग हल्दी को व्यवसायिक रूप से बिकने वाली हल्दी में सोने का मानक माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार लगडोंग हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा 7% होती है। दवाओं में इसका प्रयोग बहुत होता है। सामान्य हल्दियों की प्रजाति में कर्क्यूमिन की मात्रा 2 से 5% तक ही होती है। आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग कई दवाइयों के निर्माण में होता है। हल्दी की गुणवत्ता का आधार इसमें पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ कर्क्यूमिन व वाष्पशील तेल की मात्रा है। सूखी हल्दी या चूर्ण में कर्क्यूमिन की मात्रा 2.6 से 6.6% तक होती है। यदि किसान हल्दी की खेती जैविक तकनीक से करें तो अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। जैविक तकनीक से खेती में लागत बहुत कम आती है। ये भी है कि कम खर्च में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। त्रिनिति सावो का मानना है कि हल्दी की जैविक खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं।
और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए अब बात करते हैं नए कृषि कानून के बारे में और इस पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसाय कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। की वजह से दो चीजें होंगी। नंबर एक, सबसे पहले तो जो स्टोरेज और सप्लाई चेन है उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे कि अब लोग जो हैं, कोई भी चीज़ तुरंत अगर पैदा होती है तो उसको तुरंत बेचने की उसे जल्दी नहीं होगी। वो पूरे साल उस सामान को बेच सकता है, उसको स्टॉक कर सकता है, सप्लाई चेन पूरी बनेगी। तो वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल स्टोरेजेज, इन सब में इन्वेस्टमेंट आएगा और इससे प्राइस जो है वो पूरे साल इक्वलाइज होंगे। तो जो प्राइस में सीजनल फ्लक्चुएशंस होते थे वो ख़त्म होंगे। इन सब चीज़ों के आने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, इसके लिए एक नई व्यवस्था बननी है, लेकिन उसकी नींव पड़ गई है इन कानूनों से और बहुत जल्दी इसका फार्मर को भी और कंज्यूमर को भी, दोनों को फ़ायदा होगा। आइए अब हम आपको बता दें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15-20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1,00,000 करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार ग्रहों, शीत ग्रहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा।
पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। हाल ही में बनाए गए 3 नए कृषि कानून पर किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच में 5 दौर की वार्ता हो चुकी है और इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा है कि सरकार सौहार्दपूर्वक वातावरण में किसान संगठनों से बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है। साथ ही किसानों को ये विश्वास दिलाना भी चाहा है कि नए कृषि कानून से किसानों का किसी भी तरह का अहित नहीं होगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ रेलवे और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किसान यूनियन नेताओं से बातचीत जारी रखने और एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की अपील करते हुए कृषि अधिनियमों के बारे में किसान यूनियन नेताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए किसानों को दिए गए विभिन्न सुझावों को रेखांकित किया। कुछ किसान और कुछ यूनियंस आंदोलन की राह पर आ गई। पंजाब के किसान यूनियन के जो लोग थे उनके साथ 14 अक्टूबर को सचिव के स्तर पर बातचीत हुई। 13 नवंबर को मैं स्वयं उपस्थित रहा और साथ ही हम लोग लगातार चर्चा के लिए तैयार थे। विषयों को लेकर वार्ता चली रही थी और इसी बीच में 26 और 27 के आंदोलन की घोषणा हो गई। फिर हम लोगों ने 3 दिसंबर की बातचीत का निमंत्रण किसान यूनियन को भेजा। चूँकि किसान आ चुके थे, रास्ता बाधित था, ठंड का मौसम था, कोविड का भी संकट था और इसलिए सोचा गया कि वार्ता जल्दी करनी चाहिए, तो 3 दिसंबर के स्थान पर 1 दिसंबर को की। 1 दिसंबर के बाद फिर 3 दिसंबर को की। 3 दिसंबर के बाद फिर यह तय हुआ कि 5 दिसंबर को करें, तो 5 दिसंबर को वार्ता का क्रम चला और फिर यह तय हुआ कि 7 तारीख को हम दोबारा से इन विषयों को लेकर बैठेंगे और कुछ मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन बीच में ही 6 तारीख को 9 तारीख की रात को फिर बातचीत हुई। 8 की रात को बातचीत हुई और बाद में फिर एकदम ऐसी परिस्थिति बनी कि उनकी तरफ से कोई सुझाव आ ही नहीं रहा था, तो अंततः हमको ये लगा कि भाई किसानों के कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर उनके मन में शंका है, तो चूंकि इतने दिन चर्चा हो चुकी है और कुल मिला के वो आखिरी में एक ही बात पर आते हैं कि एक्ट को रिपील कर दो। हम लोगों का लगातार ये आग्रह रहा कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ़ है, उनको प्रावधान वार हम चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए और उस पर यह हुआ कि भाई हाँ, ये मुद्दे तो चर्चा में हैं, तो उन मुद्दों का सिलसिलेवार हम अपना प्रस्ताव बनाकर उनको भेज दें, ये विचार हुआ। और आपने देखा कि हम लोगों ने उनको मुद्दों के प्रस्ताव बनाकर भेजे। आइए अब कृषि दर्शन कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कृषि से संबंधित किसानों के सवाल और कृषि विशेषज्ञों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं बहुत सारे सवालों के साथ, किसानों के सवाल और विशेषज्ञों की राय के। प्रश्न ले लेते हैं हम बलिया जिला उत्तर प्रदेश से प्रमोद कुमार शर्मा जी का। इन्होंने BSc एग्रीकल्चर किया हुआ है और साथ ही खाद और बीज के लाइसेंस की जानकारी चाहते हैं। देखिए, खाद और बीज के लाइसेंस की जानकारी के लिए उनको जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनके ज़िले के, उनसे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जो भी उसमें प्राविधान है उसकी वो जानकारी देंगे
और जो आवश्यकताएं हैं, जो नियम हैं, उसकी जानकारी देने के बाद अपने आवेदन करके इस तरह का लाइसेंस ये प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उपयुक्त स्थान वही है जहाँ पर इनको जाना चाहिए और बात करना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आशा करते हैं प्रमोद जी आपके लिए जानकारी लाभकारी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसानों तक कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो आइए देखते हैं ऐसे ही एक मोबाइल ऐप के बारे में। कृषकों को उन्नत कृषि यंत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए फार्म्स ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन भारत के सिर्फ 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। इसका उद्देश्य कृषकों को उन्नत कृषि यंत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। जिले के समस्त कस्टम हायरिंग हितग्राही एवं हाईटेक कस्टम हायरिंग हितग्राही एवं वो कृषक जो कृषि उद्यम के क्षेत्र में जुड़े हैं, वे उन्नत कृषक जिनके पास में ट्रैक्टर आदि यंत्र उपलब्ध हैं, वे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लाभ ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर की डायरेक्ट लिंक नीचे दी गई है। किसान इस एप्लीकेशन पर अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर अपना पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, लेकिन अगर हम वहीं तिलहन की बात करते हैं, दलहन की बात करते हैं, तो उसमें आज भी हम आयात के लिए निर्भर हैं। अभी हमारे साथ है बात करने के लिए सरसों में, ख़ासतौर से अगर हम तिलहन की बात करते हैं, तो उसमें क्या देश की स्थिति है, कितना इम्पोर्ट किया जा रहा है, कितना देश में उत्पादन हो रहा है, इस पर बात करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ADG डॉक्टर DK यादव जी। सर, अगर हम बात करते हैं तिलहन के, उसमें कितना सर हमारा देश के अभी क्या स्थिति है? तिलहन में आपने ठीक कहा कि हम अभी दूसरे देशों पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। जो हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट तिलहन की है वो लगभग 25 मिलियन टन की है, जिसमें से 10 मिलियन टन हम हमारे देश में पैदा करते हैं और लगभग 15 मिलियन टन जो खाद्य तेल हम बाहर से मंगवाते हैं, जिसकी की कीमत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ के आसपास है। उसके लिए अभी कुछ प्रयास भारत सरकार द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और उसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो बीज की उपलब्धता किसी भी फसल की, तो उसमें एक तिलहन मिशन अभी भारत सरकार शुरू करने जा रही है और उसी में हमने शुरुआत में सरसों में जो पर्टिकुलरली जो अच्छे बीजों की उपलब्धता के लिए इसी सीजन में एक कदम उठाया और दोनों विभागों ने मिलकर अभी पिछले वर्ष हमने सभी राज्यों के लिए जितनी भी 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक की सरसों की किस्में थी उनको हमने चिन्हित किया और विभिन्न जो बैठकें करके विभिन्न राज्यों से उनके बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई और उनका बीज जो है हमने विभिन्न राज्यों में जहां भी जिस एजेंसी के पास भी, चाहे वो NSC थी, स्टेट सीड कॉरपोरेशन था या हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान से थे, उनके बीजों को हमने वहां से खरीदवाया कृषि विभाग से और किसानों के खेतों पर उनके डिमोस्ट्रेशन लार्ज स्केल में लगवाए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि भाई ये बीज ज़्यादा से ज़्यादा उच्च पैदावार के बीज किसानों तक पहुँचे। उसी क्रम में इवन जो प्राइवेट सेक्टर के भी बीज थे, शंकर बीज थे सरसों में, उनकी भी बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई और वो बीज भी किसानों को बांटे गए और उसमें जो हमारा टारगेट है इस बार के, पिछली बार हमारा 9.3 मिलियन टन जो सरसों का उत्पादन था उसको हम लगभग 1.5 मिलियन टन उत्पादन उसका पिछले वर्ष के तुलना में बढ़ाने का उसमें प्रयास किया जा रहा है, ताकि हम देश को सरसों के क्षेत्र में और कुल मिलाकर तिलहनी खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकें। आइए अब नजर डाल देते हैं मंडियों की स्थिति पर।
गुजरात की मेघराज मंडी में मक्का का भाव 1400 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं यहां की जम्बूसर मंडी में मक्का का भाव 1550 रुपए से 1750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की बलरामपुर मंडी में मक्का का भाव 1650 रुपए से 1725 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं लखीमपुर मंडी में मक्का का भाव 1400 रुपए से 1680 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। आइए अब जानते हैं कि आज के ट्विटर प्लेट में क्या है खास जानकारी आपके लिए। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।